देखिए अगला प्रश्न वाले की एग्जाम्पल का सवाल है, इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है एक्स साइन इनवर्स एक्स बटा कर्नी वन माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाए, क्या करना पड़ेगा इसको, ये पहले इसको आई के बराबर लिखेंगे। यहाँ से आपको मानना पड़ेगा, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, जिसको मानते हैं उसको अवकलन करते हैं, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स d बाई डी एक्स टी। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक बटे कर्णी वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स ऊपर आ जाएगा और ये डी टी। क्लियर हुआ? तो ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान लिखेंगे, इसलिए i बराबर यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो x का मान निकालेंगे तो इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये साइन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स बराबर साइन टी। क्लियर हुआ? तो साइन इनवर्स एक्स के बदले आप टी लिख सकते हैं और एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन टी। तो इस वाले लाइन को देखेंगे और इसको देखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे एक्स एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन टी। साइन इनवर्स एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, टी। और डी एक्स बटा कर्णी वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे, इसके बदले लिख सकते हैं डी टी। क्लियर हुआ इतना? अब इन सब मान को रखने के बाद अब इसमें आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है। तो चूंकि ध्यान देंगे ये बीजगणित है या त्रिकोणमिति है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी को पहले लिखेंगे साइन टी को बाद में, क्योंकि इसको एक मानेंगे इसको दो मानेंगे, इसके नियम से इलेट के नियम से। आपका इलेट का नियम क्या है, ए मतलब बीजगणित पहले आता है और टी माने त्रिकोणमिति बाद में आता है, तो टी त्रिकोण बीजगणित को पहले लेना है, त्रिकोणमिति को बाद में। पहला और दूसरा नियम लगाना है, तो पहला टी दूसरे का समाकलन साइन टी डी टी, फिर हो जाएगा पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। फिर पूरे का समाकलन। क्लियर इतना? तो यहां से हो जाएगा आपका, देखिए टी का टी रहेगा, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, टी का टी के सापेक्ष अवकलन एक हो जाएगा, साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी हो जाएगा, तभी हो जाएगा माइनस को पहले लिखेंगे, फिर टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी का गुणा एक में करेंगे तो कॉस टी ही होगा, फिर यहाँ पर कॉस टी का समाकलन करेंगे तो कॉस टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी होता है, तो माइनस टी कॉस टी, ये कॉस टी का समाकलन हो जाएगा साइन। क्लियर? अब कॉस को आप साइन में बदल देंगे, तो कॉस को जैसे ही आप साइन में बदलेंगे इसका हो जाएगा कर्णी वन माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। कॉस को साइन में क्यों बदले, क्योंकि हमारे पास साइन टी का मान है, साइन टी के बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि साइन टी को तभी वैसे ही लिख देता हूँ मैं, तो ये कॉस टी कैसे आया, चूँकि ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, चूँकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर एक, त्रिकोणमिति नियम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो इसी से निकाला हूँ कॉस स्क्वायर टी बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी, और कॉस टी का मान निकालेंगे तो कर्णी में हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी हम मान रख देंगे, माइनस टी का मान क्या रखेंगे, टी के बदले आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर देखेंगे टी के बदले क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका टी के बदले लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, वन माइनस साइन टी के बदले एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन टी के बदले एक्स हो जाएगा, तो इसको जमा के लिख सकते हैं, आई बराबर एक्स को पहले लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स कर्णी वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है इसका उत्तर। इसका एग्जांपल तीसरा देखिए, साइन इनवर्स टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा, आई बराबर लिख देंगे, यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर तब कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ जैसे ही आपको ये फार्मूला बनाना पड़ेगा इसको, जैसे यहाँ साइन है ना, तो यहाँ एक्स के बराबर कुछ मानना है कि वो साइन हो जाए, तो यहाँ इसका फार्मूला बनता है टू साइन थीटा बटे वन प्लस सॉरी टेन टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा होता है।
इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर टेन थीटा मान लेंगे। माना x बराबर क्या बनेंगे इसमें, टेन थीटा। तब थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए इसमें जिसको मानिए उसको अवकलन यहाँ लगाएंगे, d बाई डी एक्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका, इसको थीटा के सापेक्ष करेंगे, d बाई डी थीटा टेन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा हो गया। टेन थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बराबर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए आई बराबर, यहाँ पर आ जाएंगे आपका, देखिए ये हो जाएगा समाकलन, ये साइन इनवर्स वैसा ही रहेगा, ये टू का टू रहेगा, एक्स के बदले लिखेंगे क्या, टेन थीटा, तो टू टेन थीटा बटा वन प्लस, फिर एक्स के बदले टेन थीटा लिखेंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये वाला टू एक्स के बदले लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये लिख सकते हैं। क्लियर है, तब हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए ये साइन इनवर्स हो गया, ये जो इतना है ये अपने आप में फार्मूला है इसका, साइन टू थीटा का फार्मूला है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका, इसको वैसे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से अब याद रखेंगे साइन और साइन है तो इसको नहीं लिखते हैं, कट जाता है समझ लीजिए, तो बचेगा आपका टू थीटा बचेगा, यहाँ बचेगा टू थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका होता है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर होता है एक्स, मतलब इसको नहीं लिखते, जो बचता है उसको लिखते हैं। तब हो गया दो अचर राशि तो अलग कर देंगे, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है, पहला दूसरे का समाकलन ये वाला, ये हो गया आपका दो का दो रहेगा, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, पहला दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे। फिर आपका देखिए क्या हो गया, ये टू का टू थीटा का थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, फार्मूला याद रखेंगे, थीटा का सापेक्ष अवकलन एक, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, ये डी थीटा। यहाँ से दो को इसमें गुणा कर देंगे तो ये टू, नहीं करेंगे तो भी ये थीटा का, देखिए थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा के बदले लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और टेन थीटा के बदले एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आप शुरुआत में आएंगे देख लेंगे, थीटा के बदले लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, और एक्स के बदले लिख सकते हैं टेन थीटा या टेन थीटा के बदले एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा गुणा एक में करेंगे टेन थीटा ही होगा, और टेन थीटा का समाकलन दो होता है, लॉग सेक थीटा होता है या माइनस लॉग कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लॉग सेक थीटा लेते हैं, इसका समाकलन क्या होता है लॉग सेक थीटा, इसका टेन थीटा का समाकलन। तो ये हो गया आपका टेन थीटा का समाकलन, देख सकते हैं दो होता है ये वाला, ये आपका है सेक का है कॉट, यहाँ पर देखेंगे टेन का माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स। तो सेक को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें टेन है ना, हमको सेक को टेन जैसे बनाने में आसानी होगा, कॉस को टेन बनाने में थोड़ा समस्या होगा, तो हम क्या करते हैं सेक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस सेक को हम टेन बनाने हैं वापस। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखेंगे ये हो गया, ये टू का टू ही रहेगा, एक्स को पहले लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स को, बाद में ये लॉग हो गया, तो आप ध्यान देंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, हम सेक का मान निकालेंगे तो ये कर्णी में चला जाएगा, मतलब सेक थीटा बराबर इस प्रकार हो जाएगा, ये कर्णी हो जाएगा, वर्ग वर्गमूल हो जाता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सेक के बदले हम क्या लिख सकते हैं कर्णी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ,
अब यहाँ से मान बस रखना है, टेन के बदले फिर से क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका यहाँ से टू का टू रहेगा, एक्स टेन इनवर्स एक्स वैसा ही रहेगा, ये लॉग का लॉग रहेगा, ये करनी हो गया वन प्लस टेन थीटा बराबर एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हो जाएगा बड़ा कोष्टक, ये टू का टू रहेगा, ये हो गया एक्स टेन इनवर्स एक्स वैसा ही रहेगा, ये लॉग का लॉग रहेगा, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये करनी है मतलब घात में एक बटे दो आप लिख सकते हैं, करनी मतलब होता है एक बटे दो, ये क्या हो गया घात में इसको लिख देंगे एक बटे दो। तो यहाँ से होगा आपका ये दो वैसा ही रहेगा, एक्स टेन इनवर्स एक्स, ये लॉग एम की घात एन कैसे फार्मूला लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि लॉग एम की घात एन बराबर होता है एन लॉग एम, मतलब ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, सिर्फ ऊपर है ना एन तो नीचे आ गया, तो एक बटे दो पहले आ जाएगा इसके लॉग के पहले, तो ये हो जाएगा एक बटे दो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे हुआ इससे ये फार्मूला से लॉग एम की घात एन का एन लॉग एम, मतलब ये लॉग के पहले आ जाएगा एन, यही क्या है इसका उत्तर है। अब प्लस सी आप जोड़ देंगे ये क्या होगा इसका उत्तर, आई बराबर नहीं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है सब इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बना के देखना है, सब इसी प्रकार बनेगा, आपको ध्यान देना है किस प्रकार मानना है इसको। ये सवाल है आपका, ये चौथा सवाल है, इसको देख लेंगे, सब एक जैसे ही है। ये प्रश्नावली सवाल देखिए, ये सब जो है ना पीछे प्रश्नावली में आप इन सब सवालों को आप बना चुके हैं, इसलिए बस आपको देखना है इसमें किसको क्या मानना है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कॉस इनवर्स वन बाई एक्स है, तो एक्स बराबर ऐसा कुछ लेना है कि ये कॉस है तो कॉस आ जाए, जैसे आप एक्स बराबर सेक थीटा लेंगे ना तो वन बाई सेक बराबर कॉस होता है, तो ये कॉस कॉस कट जाता है। इसमें आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन लगाना है, जैसे इसमें आपको सेक इनवर्स एक्स बराबर टी मानेंगे तो इसका अवकलन होता है वन बाई एक्स करनी एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर हुआ? इसमें भी आपको सेक इनवर्स एक्स बराबर टी मानना पड़ेगा। इस प्रकार मान मान के आपको बनाना है, जो भी सवाल आपको दिख रहा है उसमें, जैसे इसमें आपको टेन इनवर्स दिया है छठवां सवाल में, तो यहाँ एक्स बराबर ऐसा कुछ मानना है कि इसको सॉल्व करने के बाद अगर टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन आ जाए। क्लियर हुआ? जैसे अगर आप एक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे तो ये साइन थीटा बटे कर्णी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये कर्णी और स्क्वायर कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस बराबर टेन हो जाएगा, मतलब इसमें एक्स बराबर आपको साइन थीटा मानना है। क्लियर है? इस प्रकार सब सवाल को आपको समझना है, ये सब सवाल आप बना चुके हैं, इधर भी ये इन सब सवालों को मैं बता चुका हूँ, सबका प्रोसेस एक जैसे ही है, बस आप ठीक से फॉर्मूला याद रखें फिर आपसे बन जाएगा।